हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे फिर से और एक बार लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि प्रभु ने इस यूट्यूब माध्यम से आपके बीच में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए मौका दिया है। पिछले 11 महीनों में बहुत से लोग तकलीफ, समस्या और संकटों में से गुजरे हैं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से इस दिसंबर महीने यानी इस साल का लास्ट मंथ में हम पहुंच गए हैं। आज मैं आपके सामने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से एक संदेश लाया हूं, वो है वेटिंग फॉर गॉड, वेट करना, प्रतीक्षा करना या इंतज़ार करना। इस संदेश का सार है कि वेटिंग इन ब्लेसिंग यानी इंतज़ार करने में परमेश्वर की आशीर्वाद कैसे होते हैं, परमेश्वर किस तरह हमें ब्लेसिंग्स देता है जब हम परमेश्वर के लिए वेट करते हैं। भजन संहिता में से कुछ वचन पढ़ेंगे। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वहाँ बुरी युक्तियों को निकालता है। इस वचन में लिखा है यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। देखिए, वेट करने के लिए हमें धीरज चाहिए यानी पेशेंस। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए, कंसल्टेशन के लिए लगभग एक घंटा या दो घंटे लग जाता है। यदि आप सरकारी हॉस्पिटल को जाएंगे तो वहाँ 3 से 4 घंटे और भी ज़्यादा लग जाता है। तो हर जगह हम हर एक चीज़ के लिए वेट करते हैं यानी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास आने समय हम हर एक विषय के लिए प्रभु हमें जल्दी जल्दी से इस समस्या का जवाब दे दे, मुझे आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दे, मुझे बच्चे दे, मेरी घर बनवा, मुझे एक नौकरी दे। इस तरह हम कई सवालों से, कई समस्याओं से प्रभु के पास प्रार्थना विनती रखते हैं। अब समस्या यह है कि बहुत से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं, लेकिन प्रतीक्षा नहीं करते और अपनी खुद की इच्छा, खुद की विचारों से किसी ना किसी रॉन्ग डिसीजन लेते हैं और मुसीबत में पड़ जाते हैं। कुछ लोग पूछते हैं प्रभु से, प्रभु मैं घर बनाना चाहता हूँ, प्रभु मुझे सहायता कर, लेकिन अचानक से आपको बैंक से कॉल आता है कि आपको बैंक लोन मिलेगा। आप बैंक लोन ले लेते, घर बना देते, लेकिन कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद आप उस कर्ज को पेड़ नहीं सकते और वो बैंक वाला आपका घर को दूसरों को बेच देता है, पूरा नुकसान हो जाता है। क्या परमेश्वर की इच्छा है कि जो आपने घर बनाया है दूसरों को भेजे? नहीं ना, परमेश्वर चाहता है कि आपको आशीषित दे। आपने बिना परमेश्वर से पूछे खुद की इच्छा बनाई, बिना परमेश्वर से बोले, बिना परमेश्वर की अनुमति से प्रतीक्षा किए बिना खुद की योजना बनाकर आपने गलत निर्णय लिया, इसीलिए आपको नुकसान सामना करना पड़ा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ब्रदर नौकरी के तलाशी में हूँ, मैंने एक व्यक्ति को 1 लाख रुपये दिया सरकार नौकरी के लिए, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। 1 साल बीत गया, हर दिन उसके पीछे चक्कर मारता रहा, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिली। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों परमेश्वर मुझे जवाब नहीं दे रहा है? मैंने प्रार्थना तो किया, मैंने कोशिश की, क्यों सफल नहीं हुआ? देखिए, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप दूसरों को रिश्वत देकर या कुछ पैसा देकर नौकरी खरीदे। परमेश्वर चाहता है कि आप वेट करें। धर्म का थोड़ा सा धन दुष्ट लोगों का बहुत सारा पैसा उनसे भी कीमती है। देखिए, आपका शायद कमाई बहुत छोटी है, लेकिन परमेश्वर की आशीष है तो आप सफल हो जाएंगे। लोग आज चाहते हैं कि हर एक काम फास्ट फास्ट हो जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक विषय में परमेश्वर की इच्छा जाने, हर एक विषय में परमेश्वर के लिए प्रतीक्षा करें, परमेश्वर के पास से जवाब ले। अब सवाल ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं, ब्रदर मैं अब्राहम की तरह 25 साल वेट नहीं कर सकता, मैं मूसा की तरह 40 साल जंगल में राह नहीं देख सकता, मैं दाऊद की तरह इतने साल वेट नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ काम मुझे करना ही पड़ेगा। देखिए, जल्दबाजी में आप कुछ ना कुछ काम करेंगे तो शैतान आपके पीछे रहता है। बहुत से लोग अक्सर जल्दबाजी में काम करके शैतान के हाथ में गिर जाते हैं। कुछ लोग कर्जों में गिर जाते हैं, कुछ लोग गलत संबंध में गिर जाते हैं। कुछ ब्रदर सिस्टर्स फ़ोन करके बताते हैं, मैंने एक लड़की से शादी किया, वो मुझे छोड़कर दूसरे लड़के से चली गई। और कुछ सिस्टर्स कहते हैं, ब्रदर मेरा शादी होके 3 महीने हुए,
मेरे पति बहुत शराब पीता है, शादी के पहले मुझे मालूम नहीं हुआ, मैं गलत फैमिली में आ गई हूँ ब्रदर, अब मैं क्या करूँ, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। क्यों? हर एक विषय में वेटिंग टाइम बहुत ज़रूरी है। वेटिंग टाइम इज़ नॉट ए वेस्टिंग टाइम, वेट करना कभी भी वेस्ट नहीं है, प्रतीक्षा देखना बहुत ज़रूरी है। माँ के पेट में बच्चा तैयार होने के लिए 9 महीने लगता है, 9 महीने होने के बाद भी परमेश्वर ने उस बच्चे को एक समय लगाया, उस समय में ही वो बच्चा बाहर आएगा। अगर जल्दबाजी करेंगे तो बच्चा की जान को खतरा है। इसी तरह हमारे सोच विचारों में जो हम निर्णय लेते हैं, डिसीशन लेते हैं किसी भी बात में, हम बिना वेट किए परमेश्वर से सामने भागते हैं तो हमें नुकसान देखना पड़ता है। बाइबल में आप दाऊद को जानते हैं, जब दाऊद 16 साल का उम्र में था, परमेश्वर ने समुएल भविष्यद्वक्ता को भेजकर उसका अभिषेक किया। क्या करके अभिषेक किया? तू राजा बनेगा। 16 साल में समुएल ने दाऊद को अभिषेक किया कि तू राजा बनेगा। लेकिन जब दाऊद ने परमेश्वर का अभिषेक लिया, तब से लेकर उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे लड़ाइयाँ, झगड़े, उसका ससुर सॉल उसको मारने के लिए 3 से 5 बार सताने लगा, उसको मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन हर समय हर जगह परमेश्वर राजा दाऊद के साथ रहा। परमेश्वर का अभिषेक दाऊद के साथ था। जब दाऊद का उम्र 30 साल हुआ, तब वो इज़राइल और यहूदियों का राजा बना। देखो, 13 साल लगे दाऊद को राजा बनने के लिए। परमेश्वर ने दाऊद को 16 साल या 17 साल की उम्र में बताया कि तू राजा बनेगा, लेकिन कितने साल दाऊद ने वेट किया? 13 साल वेट किया। ये इंतज़ार करने के बारे में परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। खास करके मैं अपना एक गवाही बताना चाहता हूँ वेटिंग के बारे में। मैं सेवकाई को आने से पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करता था, तो मेरे नौकरी में एक अधिकारी था, वो मुझे बहुत सताता था। जानबूझकर जितना भी काम करूँ मुझे बहुत सताता था, अपने बातों से, दूसरों के द्वारा कुछ ना कुछ बोलकर मुझे छेड़ता था, मेरी निंदा करता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तू चुपचाप रह, तू मेरी प्रतीक्षा कर, मैं तेरा न्याय करूँगा, तू उसे उल्टा जवाब मत दे, चुपचाप रह, तेरी और धर्म है, लेकिन तू उसे कुछ एक्सप्लेनेशन मत दे, मैं न्याय करूँगा। उसी समय मैं प्रार्थना कर रहा था और सेवकाई के बुलावट के लिए भी मैं इंतज़ार कर रहा था, तो वो व्यक्ति और भी सताने लगा, और भी निंदा करने लगा। एक बार मुझ पर मैनेजर को कंप्लेंट भी देने लगा। तब मैंने परमेश्वर से पूछा, तूने मुझे सेवकाई को बुलाया है, मैं आने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह नौकरी में निंदा और अपमान के द्वारा तेरी सेवकाई को आना नहीं चाहता। इतने साल मैं अच्छी तरह से काम किया, मुझे न्याय कर, क्यों ऐसा वो व्यक्ति मेरे साथ बिहेव कर रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप मेरा न्याय कीजिए। तब परमेश्वर ने मुझे इसी भजन संहिता में से एक जवाब दिया। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। यहोवा की बाँट जोता रह और उसके मार्ग पर बना रह, और वह तुझे बढ़ा कर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। यहाँ परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा जवाब दिया कि तू परमेश्वर की राह देख, उसके मार्ग पर बना रहे, तब तू पृथ्वी का अधिकारी बन जाएगा और दुष्ट लोग तेरे आंखों के सामने से काट डाल जाएंगे और तू अपनी आंखों से देखेगा। लगभग मैंने 6 महीने इंतज़ार किया, जितना भी वो मुझे डांटे गाली दे, चुपचाप अपना काम करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि जो व्यक्ति मुझ पर कंप्लेंट दिया, मुझे नौकरी निकालवाने के लिए कोशिश किया, उसका नौकरी छूट गया और 1 महीने में उस कंपनी छोड़कर वहाँ से चला गया और उसका पोजीशन मुझे मिला। कैसा हुआ मालूम है? जब वो व्यक्ति ने मुझ पर कंप्लेंट दिया तो परमेश्वर ने एक दूसरा एम्प्लॉय को उठाकर मेरे पक्ष में वो एम्प्लॉय जाकर एक गवाही दी कि मैं अच्छी तरह काम करता हूँ और वो जानबूझकर मुझे सता रहा है और मुझे निंदा कर रहा है, दूसरों के सामने अपमान कर रहा है, कहकर एक व्यक्ति मेरे तरफ जाकर अधिकारियों को बताया और उन्होंने उसकी बात मानी और जो व्यक्ति मुझे निकालने के लिए कोशिश किया वही उस कंपनी से 1 महीने में चला गया। यहाँ मैं उसके पास जाकर कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, चुपचाप अपना काम करता रहा। परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तू जानता है कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ,
दूसरे विश्वास करे या न विश्वास करे, तू तो न्याय करने वाला परमेश्वर है। जब वो उस नौकरी से चला गया, उसका पोजीशन परमेश्वर ने मुझे दिया, दुष्ट लोग तेरे आंखों के सामने से निकाल दिया जाएंगे, लेकिन तुम पृथ्वी के अधिकारी बनोगे। जो व्यक्ति परमेश्वर का इंतज़ार करता है, परमेश्वर उसको ऊंचे स्थान में ले जाता है। एक बार सोचिए, यदि मैं उस टीम लीडर के पास जाकर मेरे बारे में मैं बताऊंगा तो क्या कुछ लाभ है? उसने तो निर्णय कर लिया कि किसी भी तरह से मुझे निकाले, लेकिन जब मैं चुपचाप रहा, जब मैंने मेरा समस्या परमेश्वर के पास डाला, परमेश्वर ने मेरे लिए एक अद्भुत कार्य किया। प्यारे भाइयों और बहनों, शायद आप कर्जों में पड़े हैं, शायद घरफल नहीं है, घर बनना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा है, बीमारियां हैं, समस्या है, बहुत सारों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपको जवाब दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत कार्य करूँगा। नयोमी ने रूत से एक बहुत अच्छी बात बोली, क्या है मालूम है? पुराना नियम में रूत की पुस्तक अध्याय 3:18 में इस तरह लिखा है, उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यहाँ काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। यहाँ नयोमी रूत से बोल रही है, तू चुपचाप रहे, तू इंतज़ार कर। बोयास एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो एक धार्मिक व्यक्ति है, तूने अपनी रिक्वेस्ट को उसके पास रखा, वो तुम्हारा काम पूरा किए बिना चैन से नहीं रहेगा। ये कैसा होगा, कब होगा, तुम्हारा जीवन कैसा बसाएगा, तुम्हारा जिंदगी क्या होगा, इसके लिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम चुपचाप रहो, तुम चैन से रहो, तुम विश्वास करो और वो व्यक्ति तुम्हारा काम पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है, तुम चुपचाप रहो, ये काम कैसा होगा, कब होगा, आप भी नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। जब आप आपकी रिक्वेस्ट को परमेश्वर के चरणों के पास रखते हैं, वेट करो। बहुत से लोग प्रेयर करते हैं, प्रभु ये आशीर्वाद दीजिए, ये मदद कीजिए, ये समस्या है, यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करते हैं, पिता कहकर आमेन बोलते हैं, आमेन के बाद उठते हैं, वापस अपने कामों में लग जाते हैं। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, आमीन कहने के बाद कुछ समय घुटनों पर उसी जगह वेट करो, प्रतीक्षा करो, क्योंकि उस समय परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सारे बातों को आपको बताएगा। मैंने अपने अनुभव के द्वारा बता रहा हूँ, बहुत बार मैंने इस बात को ध्यान किया, जब प्रार्थना करने के बाद जब मैं कुछ समय के लिए बैठता हूँ तो परमेश्वर अपना जवाब देना चाहता है, रिस्पॉन्स देने के लिए कोशिश करता है। जब आप अपना दिल खोल कर ध्यान से एक धीमी सी आवाज़ सुनेंगे तो परमेश्वर अपनी जवाब आपको बताएगा। क्या आपने कभी इस विषय को अनुभव किया है? अब से लेकर जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद वेट करो, तब परमेश्वर आपको बहुत सारे अद्भुत कार्यों को, आपके जीवन में होने वाली बातों को बताएगा। एशिया के पुस्तक में एक बात लिखा है, आइए उस वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बांट जोहने वालों के लिए काम करे। हमारा प्रभु बहुत महान है, प्रभु का काम बहुत आश्चर्य होते हैं। इस समय शायद आप किसी भी समस्या से गुजर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है, तुम्हारी बीमारियों को मैं निकालूंगा, तुम्हें मैं घरफल दूंगा, तुम्हें एक अच्छी नौकरी दूंगा, तुम्हारे कर्जों से छुटकारा दूंगा, तुम्हारे परिवार में शांति होगी, तुम्हारे परिवार को मैं बांधूंगा, लेकिन तुम मेरे कामों को जान नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में एक आश्चर्य काम करने वाला हूँ, एक अद्भुत काम करने वाला हूँ। यदि विश्वास करते हैं तो कहिए आमेन, प्रभु हमारे जीवन में एक आशीष दे प्रभु, कहकर प्रार्थना करो। ज़रूर प्रभु चाहता है कि वो हमारे जीवन में एक आश्चर्य काम करे, लेकिन उस काम कोई भी जान नहीं सकता, कोई भी समझ नहीं सकता परमेश्वर कैसा करता है। मैं आपको इस संदेश के द्वारा बताना चाहता हूँ कि जल्दबाजी में गलत काम मत करो, क्योंकि अक्सर जल्दबाजी करने के द्वारा शैतान हमारा जीवन को, हमारा समय को, हमारा पैसा को, हमारी परिवार को बर्बाद कर देता है। शैतान का काम यही है कि हम किसी भी रीति से परमेश्वर से दूर भाग जाए, हमारा संबंध दूर हो जाए, यही उसका कोशिश है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं सहायता करूँगा।
तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसहाक जब फिलिस्तीनियों के देश में रहता था, अकाल हुआ, उसने सोचा कि मैं इस जगह छोड़कर मिस्र को चला जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम मेरा बात मानो, तुम यही रहो, इसी देश में रहो, मैं तुमको आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, तुम मेरा बात मानो। तब इसहाक परमेश्वर के बात के अनुसार फिलिस्तीनियों के देश में बहुत साल वहीं रहा। एक बार उसने कुछ बीज बोया और उस साल 100% उसने फल लाया। इसहाक बहुत साल राह देखकर उस अकाल के समय में क्या हो रहा है, यहाँ देश कैसा है, यहाँ भूमि कैसी है, कब बीज बोना है, उस तरह परमेश्वर की बात मानकर एक समय आया कि उसने बीज बोया और उस साल 100% फल लाया। आत्मा का फल में एक बात है, क्या है मालूम है? धीरज। आपको इंतज़ार करने के लिए धीरज चाहिए। यदि आपको फ्लाइट चढ़ना है तो 2 से 3 घंटे पहले जाना है और वेट करना है, ऑनबोर्डिंग होगी, उसके बाद फ्लाइट शुरुआत होगी। जाने से ही जिस तरह ट्रेन हम चढ़ते हैं वैसा फ्लाइट नहीं चढ़ सकते। फ्लाइट चढ़ने के लिए एक प्रोसीजर होती है, 2-3 घंटे पहले ही जाना पड़ेगा, ऑनबोर्डिंग होगी, चेकिंग होगी, सब कुछ होने के बाद आपको प्लेन में बिठाने के बाद तब टेक ऑफ होगी, समझ गए? इसी तरह आपके जीवन में आपको आशीर्वाद चाहिए तो परमेश्वर पीछे आपके लिए काम करेगा, लेकिन आपको चुपचाप रहना है, धीरज से इंतज़ार करना है, तब परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। मैं आपके बीच में एक अच्छी गवाही बताना चाहता हूँ। माइकल लिंडेल नामक अमेरिका में एक व्यापारी था, वो छोटे छोटे होटल्स में, ग्रोसरी स्टोर्स में, बार्स में काम करता था और वो एक ड्रग एडिक्ट था। ड्रग एडिक्ट होकर रात के समय में ड्रग्स खरीदने के लिए पूरा शहर घूमता था। एक दिन उसे एक स्वप्न आया, उस स्वप्न में एक तकिया पकड़कर पूरा घर हंसते हुए घूम रहा है। और सुबह हुआ और उसने अपना स्वप्न को अपनी बेटी और पत्नी को बताया कि परमेश्वर ने मेरे काब में एक तकिया बताया, वो तकिया पकड़कर मैं घर पूरा घर उधर इधर घूमते हंसते फिर रहा हूँ। परमेश्वर चाहता है कि मैं एक तकिया का बिजनेस स्टार्ट करूँ और उस बिजनेस का नाम है माई पिल्लो। जब ये बात उसकी पत्नी ने सुनी तो सब लोग हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन कुछ सालों के बाद उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, सच्चा उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार किया यीशु मसीह को और अपने पापों को छोड़ दिया, ड्रग्स छोड़ दिया, परमेश्वर से एक मन्नत मानी, प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे भी एक आशीष का कारण बना। बार्स में, रेस्टोरेंट्स में और कुछ छोटे छोटे शॉप्स में मैंने काम किया, जितना भी कोशिश किया, इतने साल, लगभग 10 साल मैं असफल हुआ। तूने कहा कि एक पिल्लो का बिजनेस स्टार्ट करे, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे मदद कर, कहकर उसने प्रार्थना किया, अपना जीवन बदलाया। आप विश्वास न करोगे, 5 लोगों से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आज 1600 लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी का नाम है माई पिलो। बहुत मल्टी मिलियनियर है अमेरिका में। अभी भी वो परमेश्वर की गवाही देता है कि जब मैंने परमेश्वर के लिए इंतज़ार किया, अपना जीवन बदलाया, यीशु मसीह के साथ अपना संबंध को बढ़ाया, परमेश्वर की बातों को मानकर एक एक कदम उसके राह में चलने लगा, उसके मार्ग में चलने लगा और आज मैं बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बना। जिस शहर में मेरी निंदा हुई उसी शहर में एक मल्टी मिलियनर हूँ और परमेश्वर मुझे ऊंचा किया, मुझे आशीर्वाद दिया। आज बहुत से लोग उस मेरे कंपनी में काम करते हैं, ये तो परमेश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपके जीवन में काम नहीं कर सकता? क्या आपको मदद नहीं कर सकता? प्रभु हर समय मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हम ही खुद की इच्छा बनाते हैं, खुद का प्लान्स बनाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर ये है मेरा प्लान, आप मुझे ये दे दो। ऐसा नहीं होता। जब परमेश्वर की बात मानोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीर्वाद देगा। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको इस संदेश के द्वारा बताना चाहता हूँ कि इंतज़ार करो, किसी बात में चिंता मत करो, हर चिंता को, हर समस्या को प्रार्थना में बदल दो तो परमेश्वर आपका जीवन को भी बदलाएगा, आपको भी दूसरों के लिए एक आशीषित व्यक्ति बना देगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने, ताकि आपकी समस्याओं का जवाब दे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भाई और बहन इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं उन सबको याद कर प्रभु, हर एक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी विषय में
राह देख रहे हैं कि प्रभु ये समस्याओं से छुड़ा, इस संकट से छुड़ा, गर्भफल दे, आर्थिक समस्याओं से बचा, कर्जों से छुड़ा, मेरे जीवन को बदला प्रभु, एक अच्छी नौकरी दे पिता, कहकर प्रार्थना करने वाले हर एक भाई बहन को याद कर पिता, टूटे हुए परिवारों को बांध प्रभु, जीवन में बरकत दे प्रभु, हिम्मत दे। इस साल में बहुत नुकसान, बहुत पीड़ा, बहुत वेदना को देखना पड़ा, दिसंबर महीने में आ गए हैं प्रभु, इस महीने में हमको आशीष दे प्रभु, समस्याओं से छुड़ा, नया जीवन दे, नई आशीर्वादों को देखने के लिए सहायता कर। हम चाहते हैं कि तेरी पवित्र आत्मा से हमें भर दे प्रभु, हमें विश्वास दे, तू जो चाहता है उस काम को हमें पूरा करने के लिए मदद कर, तेरी सामर्थ उंडेल, एक आशा दे कि तू एक चमत्कार करेगा, जितने लोग भी तेरी राह देखते हैं तो उनको नया बल देगा, उनको धीरज देगा और मदद करेगा, हमारे प्रतीक्षा में से एक आशीर्वाद उत्पन्न होने के लिए सहायता कर। यहाँ इस संदेश सुनने वाले हर एक भाई बहन को आशीष दे, उनको भी इंतज़ार के द्वारा मिलने वाली आशीर्वादों को महसूस करने के लिए, जानने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना सुन और आशीष दे पिता, यीशु मसीह के नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन आमेन। प्यारे भाई और बहनों, यदि इन संदेशों के द्वारा आपने कुछ सीखा है, यदि आप सच में आशीषित हुए हैं, तो प्लीज़ क्यों ना इन संदेशों को आप आपके दोस्तों को, आपके विश्वासियों को शेयर करें। जितने लोग भी इस समस्या में गुजर रहे हैं, जो वचन को नहीं जानते, उनको आप क्यों ना वचन को शेयर करके, जो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है, उसी आशीर्वाद में आप भी शामिल हो जाए। प्रभु की इच्छा हो तो फिर से आपके साथ मैं और एक संदेश के द्वारा मुलाकात करूँगा। गॉड ब्लेस यू।